नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो आपको किस सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सब कहते हैं कि एक लक्ष्य का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन जो लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को डिसाइड करना कि वो क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक इंसान जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, यानी जो पढ़ने में भी ठीक था, जो खेलने कूदने में भी ठीक था, जो आर्ट्स में भी ठीक था, ऐसा एक इंसान जो लगभग लाइफ के हर फील्ड में सही है, वो अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करे और उसको क्या दिक्कतें आती हैं, आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार एक इंसान स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा। उसने स्वामी जी से आग्रह किया, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनती हूं, मुझ में दिमाग भी बहुत है, लोग कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा। स्वामी जी ने थोड़ा सा और पूछा तो उसने बताया कि मैंने कई काम बदल लिए, मैंने कई बिजनेस बदल लिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन न जाने क्या हो जाता है कि सफलता हाथ नहीं लग पा रही। स्वामी जी के पास एक कुत्ता बंधा हुआ था। स्वामी जी ने उस इंसान को कहा कि एक काम करो, जाओ इस कुत्ते को कहीं घुमा कर लाओ। वो इंसान उस कुत्ते को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो इंसान और कुत्ता दोनों वापस आ गए। तो स्वामी जी ने उस इंसान से पूछा कि ये कुत्ता तो हांफ रहा है और तुम बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो, तुम्हारा सांस वगैरह नहीं चढ़ा हुआ। तो उस इंसान ने कहा, स्वामी जी, ये तो कुत्ता है, ये जब मेरे साथ जा रहा था तो ये बहुत भाग रहा था, कभी किसी जानवर के पीछे, कभी किसी चिड़िया के पीछे, कभी और दूसरे कुत्तों के साथ भौंक रहा था, भाग रहा था, और मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, तो डिस्टेंस तो हम दोनों ने उतना ही कवर किया है, फासला तो हम दोनों ने उतना ही कवर किया है, लेकिन ये थोड़ा थक गया है भाग भाग के, और मैं क्योंकि मैं सीधा सीधा चलता रहा तो मैं नहीं थका। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे इसी जवाब में, यानी अगर ये जो कुत्ता था ये कई जगह घूमा, फासला उतना ही तय किया और तुमने भी उतना ही फासला तय किया, लेकिन ये थक गया और तुम नहीं थके। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक आप अपने एफर्ट्स को, जब तक आप अपनी मेहनत को, अपनी लगन को किसी एक दिशा में लंबे टाइम तक नहीं लगाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने बार बार काम चेंज किया ये सोचकर कि चलो ये नहीं चलता तो वो चल जाएगा, या अगर आप बार बार ये सोचकर काम चेंज करते हो कि उस काम में बहुत पैसा है, वो काम कर लेना चाहिए, इस काम में नहीं है, तो यही सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है कि जब किसी चीज का रिजल्ट आने वाला हो, जब कोई बिजनेस अब कामयाब होने ही वाला हो, आपने उसे तभी छोड़ दिया हो। दोस्तों, उन लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, क्योंकि जब वो एक काम कर रहे होते हैं तो उन्हें यही लग रहा होता है कि काम तो मैं वो भी कर सकता हूं, तो क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है या मुझे उसमें ज्यादा फायदा होगा, तो इससे अच्छा तो वही लोग हैं जो जिन्हें बस कुछ, जिनमें कोई एक आधी प्रतिभा है और वो चुपचाप उसी में ही लगे रहते हैं, सुखी रहते हैं और यही सोच रहते हैं भी और तो कुछ आता नहीं, हमें तो यही आता है, और वो उल्टा उसी काम में लगे रहते हैं और कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें लोग करोड़ों नहीं कमा रहे, और इस दुनिया में रोज आप देखते हो कि एक चीज खुल रही है तो एक चीज बंद हो रही है, एक बिजनेस खुल रहा है तो एक बिजनेस बंद हो रहा है। यानी कामयाबी किसी बिजनेस में नहीं है, कामयाबी किसी काम में नहीं है, कामयाबी तो बस मेहनत और लगन से किसी एक काम को करने में है। सो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह का सोचते रहते हैं कि शायद उसमें ज्यादा पैसा है, मुझे वो करना चाहिए, शायद मैं वो काम कर सकता हूँ, मुझे वो करना चाहिए, तो दोस्तों बस इस बात का ध्यान रखो, एक इंसान करने को तो बहुत काम कर सकता है। हो सकता है आपको रात को एक चौकीदारी करने के भी 1,00,000 रुपए कोई दे दे, लेकिन वो भी आप ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे। सो दोस्तों,
अपने मन को स्थिर रखिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए और अपनी मेहनत और लगन को, अपने टाइम को, अपने एक एक सेकंड को एक ही दिशा में लगाइए, उस काम में आप फिर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने और भी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।